हे व्हाट इज अप गाइस, दिस इज अनमोल बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आपको बहुत बहुत स्वागत है गेमिंग सॉल्यूशंस के एक और नए एपिसोड में। इन वीडियोस में मैं आपके पूछे गए गेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। तो अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो नीचे कमेंट सेक्शन में #GS यूज करके गेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी वीडियो में फटाफट आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लाइक एम है 8000 लाइक्स, आई नो आप लोग करवा दोगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा है अन्नपूर्णा जैन ने, रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो और एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए तो भाई मैं OBS यूज़ करता हूँ। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड कर सकते हो। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की, वैसे तो आप गूगल पे लिखोगे सीधा कर लो। दुनिया के जितने बड़े गेमर्स या स्ट्रीमर्स हैं सब यही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, क्योंकि फ्री भी है और एडवांस है पूरा का पूरा। और इसके अलावा एडिटिंग की बात करूँ तो वो डिपेंड करता है यार आपकी मशीन कैसी है। मान लो मेरे पास PC है तो मैं उसमें Adobe का प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ। मेरे पास जो मैकबुक है उसमें मैं फाइनल कट प्रो यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास कोई लो एंड PC है या लैपटॉप है तो आप उसमें फिल्मोरा या मोवावी के भी वीडियो एडिटर आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा ज्योति गुप्ता ने, आपके पास पहले 1080p के मॉनिटर थे, फिर आपने 2K मॉनिटर लिए, तो पहले वाला एक का क्या किया। अच्छा, तो दो मॉनिटर नीचे वाले 2K 144Hz है, ऊपर वाला 1080p है 70Hz का। ऐसा ही एक और मॉनिटर था मेरे पास, मतलब दो मॉनिटर थे 1080p के, तो एक मैंने घर पे लगा रखा है, यहाँ पर यूज़ नहीं था। तो घर पे PC है इसलिए मैं लगा दिया, बेचा नहीं है, मैं बेचूंगा भी नहीं पुराने PC का कुछ भी। अगला क्वेश्चन पूछा सुमन करकी ने, आर यू गोइंग टू कंटिन्यू सेट ऑफ वॉर एपिसोड। यार देखो, सेट ऑफ वॉर का एपिसोड ना मैं तो बना दूँ, लोगों को पसंद भी आता है, बट होता क्या जो लोग भेजते हैं ना अपना सेटअप, वो इतना वाहियात मतलब करके भेजते हैं ना, उनके सेटअप एक नंबर के होते हैं दिखने में सब कुछ, बट फोटो ऊटपटांग लेते हैं भाई, पता नहीं क्यों। मतलब कोई फोटो टेढ़ी आ रही है, किसी में लाइट ही नहीं है, कोई अंधेरे में फ़ोटो ले रखी है, कोई बिल्कुल गुस्सा के फ़ोटो ले रखी है। तो यार फिर मैं सोचता हूँ यार क्या लोगों को इतना बेकार कंटेंट दिखाने से अच्छा तो फिर बंद ही कर दूँ, क्या करे भाई, और कोई रास्ता मिलता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा ध्रुव स्टॉप ने, हाउ मच रेवेन्यू YouTube गिव फॉर गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग विदाउट स्पॉन्सरशिप सुपर चैट डोनेशन। तो आप शायद से YouTube का एडसेंस का रेवेन्यू पूछ रहे हो। तो मेरा जो चैनल है AJ गेमिंग, उस पर मुझे अराउंड 1 मिलियन व्यूज के $100 से $150 मिलते हैं सिर्फ। आई नो आपको बहुत कम लग रहे होंगे, बट सच यही है, बहुत कम मिल रहे हो। और लॉकडाउन के दौरान तो भाई 1 मिलियन पे $60-70 मुश्किल से बन रहे हैं। 1 मिलियन व्यूज़ लाना मुश्किल है भाई, स्टार्टिंग में चैनल जब आप खोलते हो 1 लाख व्यूज़ भी नहीं आते महीने के, 1 मिलियन तो दूर की बात हो जाती है। तो अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 1 लाख व्यूज़ के अराउंड मेरे को इस टाइम पे मिल रहे हैं $10-15, बहुत कम है। 1 लाख व्यूज़ के अराउंड इंडियन करेंसी में हो गए 700 से 1000 रुपये के बीच में सिर्फ। बहुत गंदा रेट है गेमिंग में, मेरा जो इंडियन बैक पे करा उसमें थोड़ा बेटर है रेट, बट इसका तो हाल बुरा है। अगला क्वेश्चन पूछा अल्फा गेमिंग ने, आई वॉन्ट गेमिंग PC फॉर एडिटिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ PUBG, व्हाट बजट आई यूज़ प्लीज़। तो भैया अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग और एडिटिंग दोनों करनी है और एक ही PC से, वो भी बजट PC, तो आप राइजन प्रोसेसर के साथ ही जाना। पूरी स्पेसिफिकेशन अभी लॉकडाउन जब खुलेगा, नए प्राइसेस आएंगे, बढ़ेंगे घटेंगे कंपोनेंट्स के जो भी होगा, तब मैं आपको 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे सारे अलग अलग बिल्ड्स बता दूंगा। ये आप मेरे ख्याल से 50,000 से 60,000 के बीच में लगा के चलो, आपका अच्छा PC बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है राहुल गुलिया ने, भाई गेम खेल खेल के थक गए हैं लॉकडाउन में, आप कैसे लॉकडाउन पास कर रहे हो बता दो, या फिर कोई गेम बता दो कुछ अच्छा सजेस्ट कर दो जिससे लॉकडाउन भी हो जाए पूरा। तो यार देखो, गेम्स अगर आप खेल चुके तो आप काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो एडिटिंग के ऊपर, वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक वगैरह बहुत चीज़ें हैं। तो ये कोर्सेज आप सस्ते में ले सकते हो अर्न करो से। अर्न करो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड कर लो वहाँ से अर्न करो को। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना, बेसिक नाम डालो, मोबाइल नंबर डालो, ईमेल डालो, OTP आएगा, पासवर्ड सेट करो और साइन अप कर लो। साइन अप करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, तो नीचे जाओगे आपको यहाँ पर कुछ कोर्सेज मिलेंगे। पहले तो अर्न करो के बारे में बता दूँ कि इसमें आप लोगों को प्रोडक्ट शेयर करके पैसे कमा सकते हो, बट इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स बंद है, ऑपरेशनल नहीं है अभी। लेकिन इन वेबसाइट्स के अलावा आप Udemy जैसी वेबसाइट से पैसे अर्न कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप खुद भी कोर्स परचेज कर सकते हो काफ़ी सस्ते में, जैसे वीडियो एडिटिंग का मान लो Udemy का आप देख सकते हो कि 400-450 रुपये से इनके कोर्स से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस लॉकडाउन के दौरान आप कुछ प्रोडक्टिव काम भी कर लोगे, और अगर आप खुद भी नहीं खरीदते, मान लो आपको कोई दोस्त खरीदना चाहता है ये ऑनलाइन कोर्स, या आपका कोई रिलेटिव खरीदना चाहता है, तो आप उनको शेयर कर सकते हो। ये लिंक सीधा यहीं से व्हाट्सएप का ऑप्शन मिल जाएगा शेयरिंग का, जैसे ही वो कोई भी कोर्स को परचेज करेंगे आपको 10% का जो है प्रॉफिट मिलेगा। मान लो उन्होंने 1000 रुपये का कोर्स लिया तो आप सीधा सीधा कमा लोगे 10% के हिसाब से 100 रुपये। ये आपके माई अर्निंग सेक्शन में जाओगे तो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे ही ये पेंडिंग से कन्फर्म में
एक्सचेंज होगा, आप इसको विदड्रॉ कर सकते हो अपने अकाउंट में। तो यार काफ़ी सही चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अर्न करो का। अगला क्वेश्चन पूछा भूपेंद्र नारायण ने, व्हाट डू यू डू व्हेन लैपटॉप गेट्स एक्सट्रीमली हॉट व्हाइल प्लेइंग GTA 5 स्पेक्स है इंटेल i7 16GB रैम 4GB ग्राफिक कार्ड। यार लैपटॉप या देखो हीट होगा ही होगा, दो चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो आप रूम ऐसा रूम में बैठ के गेमिंग करो जहाँ AC लग रहा हो, जहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी लो हो थोड़ा सा, और दूसरा आप जो है कूलिंग पैड खरीद सकते हो। कूलिंग पैड में अंदर पंखे लगे होते हैं, तो जब आप उसको लैपटॉप के ऊपर रखोगे तो पंखे घूमेंगे, जिसकी वजह से लैपटॉप जो है वो हीट जनरेट कर रहा होगा, वो थोड़ा ठंडा होता जाएगा। बट सच्ची बताऊं तो AC से बहुत फर्क पड़ता है। मेरे इस रूम में AC नहीं है और मेरा गेमिंग PC आग की तरह तपता है भाई इस टाइम पे, क्योंकि ऊपर का रूम है, घमस होती है पूरे रूम में और आग की तरह पार्ट्स तप रहे होते हैं, जिससे पूरा ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता ही है PC का। तो एक तो रूम AC वाला लो और दूसरा आप कूलिंग पैड ले सकते हो जब लॉकडाउन खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है अंकित ने, भाई आपको क्या लगता है PS5 का प्राइस क्या होगा? यार PS5 के प्राइस को लेकर अभी तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जो PlayStation की वीडियो आई थी द रोड टू PS5, उसमें भी हमें लगा था कि कुछ ना कुछ बताएंगे प्राइस को लेकर, पर कुछ नहीं बताया। बट जो समझदार लोग हैं वो उस वीडियो से भी प्राइस का अंदाज़ा लगा लेंगे, जैसे कि उसमें स्पेक्स बता दिए गए थे PlayStation 5 के प्रॉपर। दो चीज़ें हमें देखने को मिली, एक तो SSD कम है PlayStation 5 में, दूसरी टेराफ्लॉप्स कम है। तो ये चीज़ इसलिए करी गई है ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट है PS5 की वो थोड़ी कम हो पाए। जैसे हम लगा रहे थे अंदाज़ा कि 80,000 90,000 1-1 लाख तक का आएगा, तो ऑब्वियसली कोई मतलब सेल्स जो है वो काफ़ी डाउन हो जाती है अगर 1-1 लाख के कंसोल इंडिया में ला रहे हो, भाई लोग PC ले लेते हैं। तो कॉस्ट कटिंग के लिए उन्होंने थोड़े से स्पेक्स में मतलब कंजूसी कह सकते हो या कम करा है, बट आपको परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, आप 4K 8K में गेमिंग कर पाओगे। बट इन स्पेक्स की वजह से भाई कम से कम जो PlayStation 5 का प्राइस होगा वो आराम से 40-45 हज़ार या 50,000, 50,000 से नीचे ही होगा, 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा। और सच्ची बताऊँ अगर 45-40 हज़ार का PlayStation 5 इंडिया में आया तो मैं भाई पक्का ले रहा हूँ, 50 से ऊपर का हुआ तो मैं सोचूंगा कि लूँ या ना लूँ। अगला क्वेश्चन पूछा है आरव कोकरा ने, शुड वी बाय PlayStation 5 आफ्टर इट्स लॉन्च ऑल दो वी हैव PlayStation 4 स्लिम? तो डिपेंड करता है वही आपका, एक तो बजट कितना है ऊपर से, फिर 50 के ऊपर है तो मैं सजेस्ट मतलब लेना चाहो यार आपकी अपनी मर्जी है। देखो PlayStation 4 है या नहीं है ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है अगर आपके पास पैसे है या नहीं है। अगर पैसे है और लेना भी चाहते हो तो ले लेना भाई, पैसे नहीं है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। खैर मेरे पास पैसे हुए और 50,000 से ऊपर का हुआ तो मैं नहीं लूँगा, मैं अपना बता सकता हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। अगला क्वेश्चन पूछा धैर्य गडोडिया ने, सॉरी भाई नाम गलत लिया होगा, विच प्रोसेसर इज़ गुड फॉर स्ट्रीमिंग? तो ऐसे पर्टिकुलर प्रोसेसर तो नहीं बता सकते क्योंकि आपने अपना बजट नहीं लिखा है कितने बजट में चाहिए, बट अगर स्ट्रीमिंग के लिए देखा जाए तो इंटेल और AMD में से AMD बेस्ट है। AMD के राइजन प्रोसेसर स्ट्रीमिंग के लिए बेस्ट है, स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग के लिए, ज़्यादा कोर ज़्यादा थ्रेड्स हैं। खाली गेमिंग करना चाहते हो इंटेल के साथ जाओ, बट इस टाइम पे मुझे नहीं लगता आप खाली गेमिंग करोगे, आप गेम प्ले रिकॉर्ड भी करोगे, स्ट्रीमिंग भी करोगे, तो फिर तो आप भैया AMD के राइजन के साथ जाओ। अगला क्वेश्चन पूछा है मोहित पुरी ने, क्या हम स्मैकडाउन हेट्स कम द पेन को PS3 एंड PS4 में खेल सकते हैं? भाई तुमने तो याद दिलवा दी गेम की, अभी PlayStation 2 ऑन करता हूँ और खेलूँगा आज रात भर बैठ के। और हाँ भाई आप PlayStation 4 में जो है वो PlayStation 2 की गेम्स खेल सकते हो, लेकिन PlayStation 3 में नहीं खेल सकते। PlayStation 4 में भी आप नॉर्मली नहीं खेल सकते, आपको जेल ब्रेक करवाना पड़ेगा तभी जो उसका बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी का ऑप्शन है वो एनेबल होगा। तो आपको जेल ब्रेक करवाना ज़रूरी है, जेल ब्रेक करवाओ उसके बाद PlayStation 2 की गेम में मज़े लो जितना मर्जी। तो चलो भैया ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है #GS यूज़ करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक है 8,000 का लाइक है, बाकी करवाई दोगे आप। अर्न करो का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। गर्मी बहुत हो रही है, पसीने पसीने टपक रहे हैं मेरे, नींद भी आ रही है, रात को 12 बजे शूट कर रहा हूँ ये वीडियो में। तो चलो भैया फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका। बाय बाय। Three, hit it!